परदेसी स्क्वाड। Assalamualaikum everyone, this is your boy Mohsin and you are watching Virtual Guide। तो भाई सीन कुछ इस तरह ना कि आज बहुत सारे सरप्राइजेस, भाई ने गाड़ी ले ली है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास आ रहे हैं हमारे प्यारे बबलू कत्तर बत्तर एंड चौधरी साहब दी ग्रेट। यो हमारी टीम जो शुरू में हुआ करती थी वो आज आ रही है और हम जा रहे हैं चोर बाजार। देयर इज बबलू कत्तर बत्तर। फाइनली यार, जिन लोगों को बहुत इंतजार था बबलू कत्तर बत्तर का, हियर इज बबलू कत्तर बत्तर। और बबलू आज हम जा रहे हैं चोर बाजार। चोर बाजार द मोस्ट वांटेड वीडियो जो है ना आज, और वो रहे हमारे चौधरी साहब जी ग्रेट। यू नो वो जो शुरू की टीम थी, एक बंदा मिसिंग है, ये रहे हमारे चौधरी साहब। भूखते हो यार, मार दी चावल। चलो यार चलते हैं, इसको मैं कट नहीं करने वाला, चौधरी ऐसे ही जाएगा। किस वक्त हम पहुंच चुके हैं शारजा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6। तो यार पिछले व्लॉग में बहुत सारे, मतलब तकरीबन 90% लोगों ने ये पूछा था एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, जबकि उस व्लॉग के भी डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन पिन की गई थी, और अभी भी मैं इस व्लॉग में एग्जैक्ट लोकेशन नीचे पिन करने वाला हूँ। आप शारजा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6 आ जाओ, यहाँ पर आप किसी से भी पूछोगे कि आपको चोर बाजार, चोर बाजार नहीं भी पूछना, आप किसी से पूछ लो कि यार वो शेड्स कहाँ पे हैं जहाँ पर सस्ता सामान मिलता है, ठीक है, क्योंकि शारजा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6 में बहुत मिक्सअप चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको गाड़ियों के गैराज भी मिलेंगे, स्पेयर पार्ट वाले भी मिलेंगे, और ये चीपेस्ट अप भी मिलेगा जो कि आपको यार्ड्स में मिलेंगे। तो आज हम एक यार्ड कवर करेंगे, अगर आपको ये पसंद आए तो लेट अस नो। हम हर हफ्ते में एक वीडियो चोर बाजार की अपलोड करते रहेंगे और उसके साथ यू नो रैंडम ब्लॉग्स भी। और बबलू हमारे साथ, I'm back। अगर हर ब्लॉग में नहीं है तो एक हफ्ते के एक ब्लॉग में लाजिम है, इंशाल्लाह हर हफ्ते। तो अभी हम चलते हैं, आपको जरा लोकेशन समझा देते हैं कि किस तरीके से आपने जाना है इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6 एंटर होने के बाद। तो यार ये वाला है जहाँ पे यूज़ फर्नीचर वगैरह आपको मिलेगा, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ भी मैं देखूँगा, अगर कुछ और मुझे ज़्यादा अच्छा शेड मिल जाता तो उसको कवर कर लेंगे। बहरहाल नीयत इसको कवर करने की आज। यार ये रहा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6 का वो एरिया जहाँ पे चीपेस्ट यू नो मार्केट या फिर आप चोर बाजार कहते हो। सामने जो आपको दरख्त दिखाई दे रहा है, ये दरख्त हमारे लिए भी यू नो लैंडमार्क है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम इस शेड के अंदर जा रहे हैं, ये देखो आप इस गाड़ी में इस तरह से फ्रेश मैट्रेस वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। तो वी गोइंग टू गो इन एंड चेक इट आउट, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी, एंड वी विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल, और रेट्स भी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के कंबल वगैरह, कुशंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें, और साथ में कुछ इंडस्ट्रियल सामान भी है। तो इनको एक एक करके चेक करते हैं और इनसे रेट्स का पता करते हैं और देखते हैं इस शेड में हमें क्या क्या मिलेगा। अच्छा तो भाई सीन इस तरह से, जो पीछे हमारे हाउस होल्ड वाला है ना वो थोड़ा सा बिजी है, तो जो बंदा बिजी है उसको क्या डिस्टर्ब करें। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिजली का सामान, वाटर प्योरीफायर, ये चीज़ें हैं। तो इन भाई के पास चलते और इनसे पूछते हैं इनके पास क्या क्या सामान है और क्या रेट्स पे आपको मिल रहा है और मार्केट प्राइस से और यहाँ की प्राइस में क्या डिफरेंस है। और ये भाई चाय समोसे वाले हैं, चाय समोसे वाले हैं, यहाँ इनसे चाय समोसा जरूर खाना, ठीक है यार। यहाँ होना तो इस भाई से चाय समोसा। क्या क्या आपके पास सर? समोसा है, कोल्ड ड्रिंक है, ड्यू पेप्सी मिरांडा कोक 7 पे, स्प्रिंग रोल है। तो यार यहाँ होना तो भाई से जरूर खा लेना, जरूर खा लेना, ठीक है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अली मुराद। तो अली मुराद भाई के पास है हम पहली शॉप, पहला स्टॉल, तो इनसे पूछते हैं। अच्छा अली मुराद भाई, आपके पास क्या सामान है? तो इनके पास जो सामान है आप देख सकते हैं यहाँ पर के बिजली का सामान ज्यादातर, ठीक है, ब्रेकर्स वगैरह है, बीबी के ब्रेकर्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में। उसके अलावा कुछ वाटर प्योरीफायर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो किस प्राइस रेंज में आप ये सेल आउट करते हैं? फिल्टर से स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल से यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाटर प्योरीफायर है, ठीक है। तो वाटर प्योरीफायर का पूछ लेते हैं, बाकी ब्रेकर्स वगैरह वो एक नॉर्मल बंदे के घर के यूज में नहीं आता, तो हम सीधा चलते हैं फिल्टर के ऊपर। ये बड़ा जो वाटर फिल्टर आपका पड़ा है किस प्राइस में होगा बेटा? ये 350 का, 350 का। और ये मार्केट में किस प्राइस में तक? 1600 का वाटर प्योरीफायर 350 में, चेक करो यार, देखो यार। यहाँ पर एक और शेड है जहाँ पर आपको यू नो बंकर बेड्स वगैरह मिल जाएंगे, मैट्रेस वगैरह मिल जाएंगे। मैट्रेस का रेट मैंने पता किया है, जो ब्रांड न्यू है मैरिकेटेड, दैट्स अराउंड 50-55 दिरहम्स। और उसके अलावा कुछ ये हैं, ये मैरिकेटेड हैं थोड़े से सॉफ्ट में, दैट्स 20 bucks, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। इस तरफ भी कुछ आपको हाउस होल्ड मिलेगा, यू नो खाना शाना बनाने की चीज़ें,
ठीक है। हाँ ये भाई फेमस हो गया, ठीक है। 3 दिन के बाद आप वीडियो में होएगा, 3 दिन के बाद, ठीक है। देखो आप, ये मेरे ख्याल में ग्रास कटर्स वगैरह हैं, यहाँ पर मोटर्स पड़ी हैं, ठीक है। यूज मोटर्स होती हैं, इनको ये साफ़ सुथरा करके फिर यहाँ पर रख देते हैं सेल करने के लिए, और बहुत ही अच्छी प्राइस में। कुकर्स पड़े हुए हैं, और इसी तरह ये बहुत बड़ा शेड है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स मूव इन एंड चेक इट आउट, या बल्कि मैं दूसरी तरफ से घूम के आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो यार, इस शेड के अंदर जो सबसे मुझे बेहतरीन शॉप लगी है वो ये, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पूरा हाउस होल्ड का सामान आपको मिल रहा है, राइट। वो चीज़ें जो आपके डेली यू नो नीड्स में काम आती हैं। तो यहाँ चलते हैं, इन भाई को मिलते हैं और इनसे डिटेल लेते हैं कि भाई क्या प्राइसेस हैं, क्या डिफरेंस है। आ जाओ। तो फाइनली वो शॉप जो कि इस वक्त मुझे इस पूरे शेड में सबसे ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज यू नो इट फुलफिल्स ऑल योर हाउस होल्ड नीड्स, ठीक है। तो यहाँ भाई से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। माइक्रोवेव से लेके वाटर प्योरीफायर, मतलब हर यू नेम इट एंड इट्स अवेलेबल है, राइट। अब्दुल सत्तार भाई, सबसे पहली चीज, ये सारा सामान इम्पोर्टेड है या लोकल मार्केट का? सर इम्पोर्टेड है और ये ऑस्ट्रेलिया से आता है, कंटेनर मंगवाते हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में 3-4 कंटेनर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी सेल भी हो जाते हैं माशाल्लाह। इसमें होम एंड को और एंड को बहुत जबरदस्त कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह घर का सारा सामान मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सामान आपके पास, ये जो सामान आपके पास है, इसकी कोई गारंटी वगैरह कुछ थोड़ा बहुत होता है या नहीं? सर आपको पता है 6 नंबर सनाया में ये जो चीज है इनकी कोई गारंटी नहीं होती। Exactly. आपने चीज ली, गेट से बाहर गए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा। लेकिन फिर भी हम कस्टमर को अपना देते हैं गारंटी, ताकि क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज अच्छी है। Exactly. हमें 100% उसके ऊपर इत्माद होता है कि ये चीज सही है, घर में जाके यूज करेगा इंशाल्लाह खराब नहीं होगी। और इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि यार मैंने बहुत सारा सामान यहाँ से लिया है, पर्सनल यूज किया है, 99% देयर इज नो इश्यूज इधर वेज, बट स्टिल यू नो क्योंकि ये इनके पास भी कंटेनर में आता है, और अगर गारंटी इनके पास हो भी तो वो इंटरनेशनल, मतलब यहाँ की नहीं होती, लोकल मार्केट की, तो दे डोंट गिव इट, चेक करके आपको चीज देते हैं। तो दैट्स द प्लान। तो कुछ चीजें जो आपके पास आपको लगता है कि यार ये हमारी सबसे बेस्ट चीज है, 3 चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा कस्टमर लेके जाते हैं। अच्छा। वो एक कौन तो एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर, और दूसरा आप देखते हैं माइक्रो ओवन है, ये पड़ा है 20 लीटर का, हमारे पास 34 लीटर का भी होता है और 20 लीटर का, 25 का, 28 का, सब एंड ऑन माशाल्लाह। तो इनकी क्वांटिटी ज्यादा है माशाल्लाह। प्राइस क्या, मतलब एक स्टार्टिंग नॉर्मल प्राइस क्या डिफरेंट है? जो यूज में है जो 20 लीटर का है ये हम 100 में दे देते हैं। ओ वाओ। और जो कार्टन पैक में है वो हम 130 में दे देते हैं। जबरदस्त प्राइस है और ज्यादा इतना वो नहीं है। अच्छा, तो कोई बंदा अगर हमारे YouTube चैनल से आपके पास आता है, जी जी, तो क्या उसको कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह आप? इंशाल्लाह जरूर, जी जी जरूर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नए कस्टमर को तो वैसे ही डिस्काउंट देते हैं। जबरदस्त, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स अमेजिंग। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई जस्ट मेट द मैन बिहाइंड द आइडिया, इज फिदा हुसैन, ठीक है। फिदा हुसैन भाई इज अ वेरी जॉली गाय, इनसे अभी मिले, हमारी गपशप चल रही है। आप नेक्स्ट शेड में आए जहाँ पे पूरा आपको, मतलब ये यू नो LEDs वगैरह, और थिंग इज दैट द प्राइजेज आर सो अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बंदा क्योंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और ये उन्हीं की शॉप है जिनसे इससे पहले वाले जो क्लिप्स आपने देखे, तो आप इसके कुछ शॉर्ट्स देख लो, तो मैं आपको तब तक किसी और ऐसी चीज़ में लेके जाता हूँ जहाँ पर आपको यू नो घर के काम की चीज़ें मिल सकें। तो चलो, और राइट, सो दिस इज़ द नेक्स्ट शॉप जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो सोफ़े वगैरह पड़े हैं, कबर्ड्स वगैरह हैं, उसके अलावा आपके पास चेयर्स वगैरह हैं, डाइनिंग टेबल तो नहीं, छोटे कॉफ़ी टेबल्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी भाई की शॉप है, मैंने कहा भाई से मिल के रेट्स पूछ लेते हैं क्विकली। अच्छा, तो यार भाई ने मुझे बताया जितने भी कबर्ड्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं 100-100 दिरहम, लाइक मतलब एक ही प्राइस है 100-100 दिरहम। फिर आप ये 100 100 100 100, हाँ कितने का? 100 100 100 का 100 नहीं। अच्छा, ये आप चेयर्स वगैरह देख रहे हो, इधर बेड्स वगैरह भी हैं, सोफ़ाज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड पड़ा है, ठीक है, जिसकी प्राइस मैंने पूछी तो उन्होंने बोला यार 650-700 में मिल जाएगा आपको, और द कंडीशन इज सुपर्बली अमेजिंग, वेरी नीट एंड क्लीन। तो देख लो भाई, ये भी आपको मतलब घर में यूज़ हो सकते हैं, आ जाओ, आना है तो। हाँ, तो भाई इस वक्त घूमते घुमाते मैं पहुँचा हूँ इस शॉप के ऊपर, ये भी उन्हीं भाई जान की है जिनकी पहले थी, मतलब आप देख रहे हो बंदा शाना है, सारी मार्केट पे छाया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पर सीन है कि आपको ब्लोर्स वगैरह गार्डनिंग का शौक है तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स गेट इन और इनके रेट्स चेक करते हैं। ऑलराइट, तो इस वक्त जहाँ पे हम हैं यहाँ पर आपको कार वॉश के लिए सिस्टम मिल जाएगा, ब्लोर्स मिल जाएंगे और आपको गार्डनिंग का अगर शौक है तो वो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से उनसे क्विकली पूछ लेते हैं क्या प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर मैं ये लेना चाह रहा हूँ ये कार वॉश वाला, $700 की चीज 250 में, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील। उसके अलावा ये गार्डनिंग वाला जो आपका आता है घास काटने वाला, घास कटर, ये कितने का? ये तो बाहर इसकी कीमत 2000 की प्राइस वाला ग्रास कटर इन 650 to 700, अमेजिंग डील्स आई गेस। लेट्स मूव इन। और राइट, चलते फिरते मुझे एक और शेड दिखाई दिया जहाँ पर आपको मोबाइल इक्विपमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग केबल्स वगैरह, हेडफोन्स, लुक्स गुड इनफ, OTGs, ठीक है, आपके मोबाइल वोबाइल गाड़ी में चिपकाने उपकाने वाले सीन, ठीक है, सी लुक्स सो गुड सो अमेजिंग। चार्जर वगैरह आपको मिल जाएंगे, ब्लूटूथ के सारे सिस्टम वगैरह, ठीक है, एंड द प्राइजेज आर सो अमेजिंग, प्राइजेज आर अगेन सो अमेजिंग आई गेस। ठीक है, तो ये सीन है भाई, एयरपॉड्स दो नंबर एयरपॉड, हेलो दो नंबर एयरपॉड, हेलो भाईजान यार मतलब देख के आया कर यार, कहाँ पे कहीं पे भी मिल जाते हैं यार, बबलू चाहे में भाई, बबलू का ब्लॉग देखो जाके, ठीक है। और ये कुछ बिजली के एक्सटेंशन वायर्स वगैरह और ऑलमोस्ट सब का सब नया, ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग आई गेस। ओह वाओ, ऑलराइट यार, तो यहाँ एक शॉप में मैं गुजर रहा था तो मुझे देखने को मिले यार, आपको ये देखने को मिलेंगे वायरलेस हेडफोन्स, यू नो एप्पल प्रो 5 कॉपी होगा लेकिन स्टिल, देन शाओमी के भाई एयरबड्स, वी हैव JBL एज वेल। तो ये चीज़ें देख के मैं बड़ा खुश हुआ यार, चार्जर्स वगैरह हैं इनके पास, ये सारी चीज़ें हैं, राइट, मतलब आप देखो यार सीन चेक करो। ये एक और शॉप है जहाँ पे अगेन आपको वही यू नो होम अप्लाइंसेस वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे मतलब आपको फिर से वो बर्तन वर्तन ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ द शेड्स लुक लाइक, ठीक है, एक तो देसी माहौल देसी सीन, आपको इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ले जाएंगे, राइट, आपकी मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी, दूसरा आपकी शॉपिंग हो जाएगी। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो चलते हैं। चौधरी साहब डेड सम शॉपिंग, ठीक है, तो वो देख लेते हैं चौधरी साहब ने लिया क्या है। ये ओपनिंग सेरेमनी जो हमारे बबलू कत्तर बत्तर कर रहे हैं, यस, खुशी का आलम, और वाओ दैट लुक्स गुड। तो चौधरी साहब ने एक लिया ये, इसको चौधरी साहब क्या बोलते हैं बाय द वे? इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन, आई नो बट मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक को पता चले। राइट, तो ये दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन, आई बिलीव इससे आप हाँ सुराख सुराख कर लेते हो, ठीक है, सुराख करने हो ये ले लो, दीवार में दीवार में, ठीक है। ओह वाओ, इट्स मींस लाइक चार्जेबल, इट्स चार्जेबल। ओह बबलू कत्तर बत्तर इज़ प्लेइंग पबजी यार। यहाँ पे कुछ फैमिलीज देखी थी मैंने अभी जो शायद उस शॉप में गई हैं, तो फैमिलीज आ रही हैं यार, यहाँ पे इतना भी ऑकवर्ड माहौल नहीं है यार। तो चौधरी साहब ने मुझे बताया कि जो उन्होंने चार्जेबल ड्रिल मशीन ली है, इट्स ओनली 50 बग्स, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू कम हियर, बट यू नीड टू बी अ ग्रेट बार्गेनर। द कारपेट शॉप्स एज वेल एंड फैमिलीज आर टेकिंग द कारपेट फॉर द होम। तो ये रहे चौधरी साहब और बबलू कत्तर बत्तर, एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव, फाइनली इट्स टाइम टू लीव चोर बाजार। आज हमने बहुत शॉर्ट सा वीडियो करने की कोशिश की है, एक हमने शेड कवर किया है और इस शेड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, जो कि आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया ना तो यार कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, और बबलू कत्तर बत्तर की वीडियो देखो, सब्सक्राइब कर देना। हाँ यार, बबलू को तो लाजिम सब्सक्राइब करो यार, बबलू ने अपने चैनल का नाम चेंज करके मुबीन ब्लॉग्स रख दिया है, तो आप इसको बताओ यार कि ये बबलू कत्तर बत्तर अच्छा था या मुबीन ब्लॉग्स। चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसकी वीडियो पे भी जाके कमेंट करो कि भाई बबलू कत्तर बत्तर चाहिए या मुबीन ब्लॉग्स, और इस वीडियो में भी आप बता सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ठोक दो, और चौधरी साहब की तारीफ नीचे आप कर सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's